देखिए अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। यानी अभी हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 12 के फर्स्ट बुक में माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 मार्क्स वाला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो आपके झारखंड बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से 1 नंबर सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं। आंसर पहला, इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है। दूसरा, इसमें आर्थिक क्रियाओं का व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म या उद्योग आदि। आगे देखिए सवाल नंबर 2, उत्पादन संभावना वक्र क्या है यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC उत्पादन संभावना वक्र क्या है। आंसर, यह 2 वस्तुओं के उन सभी विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो एक उत्पादक अपने सीमित साधनों एवं स्थिर तकनीकों द्वारा कर सकता है। आगे देखिए 3 नंबर, सवाल नंबर 3, उदासीनता मानचित्र क्या है, इंडिफरेंस मैप उदासीनता मानचित्र क्या है। आंसर, भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाली उदासीनता वक्रों के समूह को, ग्रुप को उदासीनता मानचित्र कहते हैं। क्या बोला? भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाली उदासीनता वक्रों इंडिफरेंस कर्व के समूह को, ग्रुप को उदासीनता मानचित्र कहते हैं। देखिए फिगर में एक साथ 4 उदासीनता वक्रों को दर्शाया गया है जिसे उदासीनता मानचित्र कहेंगे, जिसमें IC4 संतुष्टि के उच्च स्तर को और IC1 संतुष्टि के निम्न स्तर को दर्शाता है। यानी चारों उदासीनता वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को बताता है। तो भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाली उदासीनता वक्रों के ग्रुप को, समूह को उदासीनता मानचित्र इंडिफरेंस मैप कहते हैं। आगे देखिए 4 नंबर सवाल 4, इच्छा और मांग में अंतर स्पष्ट करें। इच्छा यानी डिजायर और मांग यानी डिमांड में अंतर स्पष्ट करना है। आंसर पहला, मनुष्य की कल्पनाओं को इच्छाएं कहा जाता है जबकि मनुष्य की आवश्यकताओं के वास्तविक रूप को मांग कहा जाता है। दूसरा, इच्छा का संबंध मूल्य से नहीं होता है जबकि मांग का संबंध मूल्य से होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 5, निम्न वस्तुओं में मांग की लोच बताइए। हीरा लग्जरी गुड्स है, बहुमूल्य वस्तुएं हैं, इसीलिए हीरा की मांग की लोच अधिक लोचदार होगी, अत्यधिक लोचदार हाईली इलास्टिक होगी। नमक बहुत कम दाम वाला अनिवार्य वस्तु है। नमक जो है सॉल्ट बहुत कम दाम वाला अनिवार्य वस्तुएं हैं, इसीलिए इसका मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होगी। नमक का पूर्णतः बेलोचदार। आगे कोयला का एक से अधिक प्रयोग संभव है, एक से अधिक वैकल्पिक प्रयोग संभव है, इसीलिए लोचदार होगी। शराब एक उपभोक्ता की आदत की वस्तु है जिसकी मांग की लोच बेलोचदार होगी। ठीक, आगे देखिए सवाल नंबर 6, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निर्धारित करता है। आंसर, उद्योग इंडस्ट्री, जिसे कीमत निर्धारक प्राइस मेकर कहा जाता है। याद रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस को, कीमत को उद्योग इंडस्ट्री तय करता है, जिसे कीमत निर्धारक प्राइस मेकर कहा जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 7, साम्य यानी संतुलन कीमत का निर्धारण कहाँ होता है।
आंसर, जिस बिंदु पर किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती है उसी बिंदु पर संतुलन कीमत साम्य कीमत का निर्धारण होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर, किस बाजार में ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है, किस बाजार में ए आर एम आर से ज़्यादा होता है। आंसर, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में, मोनोपोली एवं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर सवाल को पढ़िए, किसी वस्तु की पूर्ति के 4 निर्धारक घटक बताइए। आंसर, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत, फर्मों की संख्या, उत्पादन तकनीक आदि, यानी ये सभी पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पूर्ति के निर्धारक घटक हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 10, परिवर्तनशील साधन की परिभाषा दीजिए। परिवर्तनशील साधन वेरिएबल फैक्टर किसे कहते हैं। आंसर, वह साधन जिसका प्रयोग अनुपात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर बदलते रहता है उसे परिवर्तनशील साधन कहते हैं। क्या बोला, वह साधन जिसका प्रयोग अनुपात उत्पादन के प्रत्येक स्टेप पर चेंज होते रहता है उसे परिवर्तनशील साधन वेरिएबल फैक्टर कहते हैं, जैसे श्रमिक, पूंजी, कच्चे माल आदि। आगे देखिए सवाल नंबर 11, अल्पकालीन औसत लागत वक्र की आकृति कैसी होती है, अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह। अल्पकालीन यानी अल्पकाल में औसत लागत वक्र यानी एवरेज कॉस्ट कर्व का आकृति शेप अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होता है, यू जैसा होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 12, कुल लागत की गणना कैसे की जाती है, कुल लागत टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। आंसर, कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स कॉस्ट एवं कुल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जोड़ को कुल लागत टोटल कॉस्ट कहा जाता है। गणितीय रूप में टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीसी बराबर टीएफसी जोड़ टीवीसी। आगे देखिए सवाल नंबर 13, मांग वक्र के नीचे दाहिनी ओर खिसकने के 3 कारण बताइए। मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों गिरती है, क्या कारण है। आंसर, कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी घटती सीमांत उपयोगिता नियम, आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव। आगे देखिए सवाल नंबर 14, कुल लाभ कैसे निकाला जाता है, टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आंसर, कुल आय और कुल लागत, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के अंतर को लाभ कहा जाता है, अतः कुल लाभ पाए बराबर कुल आय टोटल रेवेन्यू माइनस कुल लागत टोटल कॉस्ट। याद रखिएगा, कुल लाभ पाए बराबर होता है कुल आगम टोटल रेवेन्यू माइनस कुल लागत टोटल कॉस्ट। आगे देखिए सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 को पढ़िए 15, लाभ अधिकतम करने की क्या शर्तें हैं, लाभ को अधिकतम करने की क्या शर्तें हैं। आंसर, लाभ अधिकतम करने की या एक फर्म के संतुलन की 2 शर्तें होती है, पहला एम आर बराबर एम सी हो तथा दूसरा एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटता हो। ठीक है, लाभ अधिकतम करने के लिए यानी एक फर्म के संतुलन के लिए 2 शर्त को पूरा करना आवश्यक होता है, पहला एम आर बराबर एम सी हो, सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो तथा एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटता हो। आगे देखिए सवाल नंबर 16, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय कौन लेता है, बाजार शक्तियों द्वारा, कीमत तंत्र द्वारा। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी पूंजीपति, निजी उद्योगपति के द्वारा
निर्णय लिया जाता है। बाजार शक्तियों द्वारा कीमत तंत्र यानी डिमांड सप्लाई के द्वारा। आगे देखिए सवाल नंबर 17, उत्पादन फलन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। आंसर, किसी वस्तु का उत्पादन यानी आउटपुट एवं उसके उत्पत्ति के साधनों यानी इनपुट के बीच के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। अर्थात QX एक्स वस्तु का उत्पादन की मात्रा बराबर फंक्शन है ABCD यानी उत्पत्ति के 4 साधन, भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी का। ठीक है, आउटपुट और इनपुट के बीच के फलनात्मक संबंध को प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक, आगे देखिए सवाल नंबर 18, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है, अर्थव्यवस्था का सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। आंसर, अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं हैं, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। पहला, क्या उत्पादन हो और कितनी मात्रा में हो। दूसरा, उत्पादन कैसे हो। तीसरा, उत्पादन किसके लिए हो। ठीक है, क्या उत्पादन करें और कितना करें, उत्पादन कैसे करें और उत्पादन किसके लिए करें। ये 3 केंद्रीय समस्या है अर्थव्यवस्था का। आगे देखिए सवाल नंबर 19, किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समांतर होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। याद रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में AR वक्र मांग वक्र X अक्ष के X एक्सिस के पैरेलल समांतर होता है, यानी मांग वक्र की ढाल पूर्णतः लोचदार ED बराबर इन्फिनिटिव होती है। 19 में होगा पूर्ण प्रतियोगिता में। आगे देखिए सवाल नंबर 20, बजट रेखा का ढाल कैसा होता है, नेगेटिव, बाएं से दाएं, नीचे की ओर। बजट रेखा या कीमत रेखा की ढाल नेगेटिव होती है, बाएं से दाएं, नीचे की ओर। आगे देखिए सवाल नंबर 21, पूर्ण तृप्ति यानी संतुष्टि का बिंदु क्या है, परफेक्ट सेचुरेशन का पॉइंट क्या होता है। आंसर, जिस बिंदु पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटकर 0 हो जाती है उसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। हम लोग जानते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार, जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार प्रयोग करता है, वैसे वैसे वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई में सीमांत उपयोगिता घटते जाती है। ठीक है, जो सीमांत उपयोगिता घटकर एक बिंदु पर पहुंचकर 0 हो जाती है, जिसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 22, उत्पादन संभावना वक्र की आकृति कैसी होती है, PPC की आकृति कैसी होती है, मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी अवतल, मूल बिंदु की ओर कॉनकेव, नतोदर, अवतल। आगे देखिए 23, उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं। आंसर, जब एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि या अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है तो वह संतुलन की अवस्था में होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 24, आर्थिक क्रिया क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आंसर, वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है, आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे उत्पादन, किसी वस्तु को बनाना, बनाकर बेचना, निवेश, कोई काम में पैसा फंसाना, लगाना, विनिमय, वस्तु का खरीद बिक्री करना, ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनसे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 25, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या तात्पर्य है, अवसर लागत क्या है। आंसर, वर्तमान में किसी काम को करने के लिए उसके पीछे छोड़े गए सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट विकल्प का मूल्य अवसर लागत कहलाता है, इसे आर्थिक लागत या हस्तांतरण लागत भी कहते हैं।
आगे देखिए 26 बाजार के मुख्य विशेषताओं को बताइए। एक बाजार का मुख्य विशेषता क्या होता है? आंसर, बाजार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, एक क्षेत्र का होना, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की उपस्थिति का होना, एक वस्तु का होना, वस्तु का एक मूल्य का होना। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 27। सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन MP एवं औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्शन AP की आकृति कैसी होती है? उल्टा यू आकार का, उल्टा यू आकार का। याद रखिएगा, सीमांत उत्पादन MP एवं औसत उत्पादन AP की आकृति उल्टा यू आकार का होता है। आगे देखिए 28। उदासीनता वक्र क्या है? इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्र क्या है? तटस्था वक्र क्या है? आंसर, वैसा वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है उसे उदासीनता वक्र कहते हैं। उदासीनता वक्र मतलब कोई परिवर्तन नहीं, इनडिफरेंस कर्व कोई डिफरेंस नहीं, एक ऐसा वक्र जिसके प्रत्येक पॉइंट पर किसी उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है उसे उदासीनता वक्र इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। आगे देखिए 29। मांग का नियम बताइए, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है? आंसर, अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है, यानी वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच विपरीत नेगेटिव संबंध होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 30। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? घटती सीमांत उपयोगिता नियम, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, गौसेन का प्रथम नियम क्या है? आंसर, प्रोफेसर गौसेन के प्रथम नियम के अनुसार जब कोई उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार प्रयोग किया जाता है तो उसकी प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता MU लगातार घटती जाती है और एक बिंदु पर पहुंचकर 0-0 हो जाती है। इसके बाद भी यदि उपभोक्ता वस्तु की इकाइयों का प्रयोग करे तो MU नेगेटिव हो जाती है, यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। आगे देखिए 31। औसत लागत क्या है? एवरेज कॉस्ट, औसत लागत AC क्या है? आंसर, किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है, अर्थात कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत लागत एवरेज कॉस्ट प्राप्त होता है। गणितीय रूप में औसत लागत बराबर कुल लागत बटा उत्पादन की मात्रा, यानी एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट बटा उत्पादन का क्वांटिटी यानी मात्रा। आगे देखिए 32। उत्पादन के साधनों को अंकित कीजिए। उत्पादन के चार साधन होते हैं, भूमि, श्रमिक, पूंजी एवं उद्यमी यानी मालिक। आगे देखिए 33। एकाधिकार बाजार क्या है? मोनोपोली मार्केट एकाधिकार बाजार क्या है? आंसर, एकाधिकार शब्द का अर्थ एक का अधिकार होता है, अर्थात एक ऐसा बाजार जिसमें किसी वस्तु का केवल एकमात्र विक्रेता हो उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। इसमें एक अकेला विक्रेता होने के कारण एकाधिकारी फर्म स्वयं वस्तु की कीमत को तय करता है। आगे देखिए सवाल नंबर 34। किसी वस्तु को सामान्य वस्तु कब माना जाता है? किसी वस्तु को सुपीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तु कब कहते हैं? आंसर, वैसी वस्तुएं जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है और आय घटने पर मांग घट जाती है उसे सामान्य वस्तु कहते हैं, यानी सामान्य वस्तुओं में आय एवं मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है। आगे देखिए 35। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? आंसर, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के
उपभोग करने से मिलने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है, यानी कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, अर्थात एम यू बराबर डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू। एम यू मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू, यानी टोटल यूटिलिटी में चेंज बटा क्वांटिटी में चेंज। आगे देखिए 36 पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना और समाजवादी का उद्देश्य है अधिकतम जन कल्याण लोक कल्याण करना। आगे देखिए 37 मांग के नियम का क्या अपवाद है। मांग का नियम कहाँ लागू नहीं होता है, मांग के नियम का क्या अपवाद है? आंसर, पहला, यह गिफिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। दूसरा, यह प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। तीसरा, यह अनिवार्य वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। ठीक है, मांग का नियम गिफिन वस्तुओं पर, प्रतिष्ठा सूचक यानी अमीर वस्तुओं पर, अनिवार्य वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। आगे देखिए 38 अर्थव्यवस्था की कोई दो केंद्रीय समस्याएं लिखिए। आंसर, पहला, क्या उत्पादन करें एवं दूसरा, कैसे उत्पादन करें। अर्थव्यवस्था का दो केंद्रीय समस्या होगा क्या उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें। आगे 39 किस बाजार में AR बराबर MR होता है, किस बाजार में, किस मार्केट में AR बराबर MR होता है। एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू होता है, औसत आगम बराबर सीमांत आगम होता है, औसत आय बराबर सीमांत आय होता है, यानी AR बराबर MR होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 40 स्थिर लागत क्या है, फिक्स कॉस्ट स्थिर लागत क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। आंसर, किसी वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर साधनों पर हुए कुल खर्च को स्थिर लागत कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं। उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर यह स्थिर रहता है, जैसे बिल्डिंग का किराया एवं मशीनों पर खर्च आदि। क्या समझे, किसी वस्तु का उत्पादन प्रक्रिया में, प्रोडक्शन प्रोसेस में स्थिर साधनों पर यानी जमीन पर, बिल्डिंग पर, मशीन पर हुए कुल खर्च के जोड़ को स्थिर लागत कहते हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक स्टेप पर फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, जैसे भूमि, बिल्डिंग का किराया, मशीनों पर खर्च आदि। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट 40 दो मार्क्स वाला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।